हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम लोग एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो इंस्टाग्राम की डैशबोर्ड के ऊपर होने वाली है कि इंस्टाग्राम का जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप लोगों में आ रहा होगा वो क्या ऑप्शन है, वो क्या मतलब है उसका, आज की वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो आप लोगों को नहीं देखनी पड़ेगी, आप लोगों को परेशान नहीं होना होगा। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी पूरी डिटेल दूंगा कि ये प्रोफेशनल जो आपका डैशबोर्ड आ रहा है वो क्या होता है, क्या ऑप्शन है। तो आप ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले बार विजिट किए हो तो आप लोग देख सकते हो मेरा नीचे पेज है, आप लोग उस पर जाकर मुझे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना। और साथ ही अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ को लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ ही आप लोग देख सकते हो दोस्तों मेरा ये इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप लोग अगर चाहो तो इसको फॉलो भी कर सकते हो, वो आप लोग मैं बता देता हूँ। तो कुछ नहीं चलना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये साइड में अब मेरा पेज आ चुका है ये साइड में, और इस पेज पे आप लोग को दिख रहा होगा ये इंस्टाग्राम है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपना ओपन करते हो इंस्टाग्राम, और जैसे ही मैं ओपन करता हूँ और अपने प्रोफाइल में जैसे ही चला जाता हूँ तो आपके सामने कुछ ये ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, आ जाएगा अभी लोग देख सकते हैं ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। तो आपको समझ नहीं आता, ये सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है व्यूज प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये क्या ऑप्शन होता है, ये आप लोग को मैं आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे, परेशान होते होंगे कैसे ऑप्शन हटाएं या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपके अकाउंट में। तो दोस्तों इससे आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या होता है आप लोग को बस तुरंत आपने इसमें बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, तो ये क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों आप लोग को ये कुछ नहीं डरना है, आप लोग का आप लोग ने जब भी अगर आपके इंस्टार्ट नहीं आया होगा, आपने जब भी इंस्टार्ट लाया होगा उसके बाद ही आपका प्रोफेशनल अकाउंट हो जाता है, और उसी का ये डैशबोर्ड है, ये दिखाता है कि आप लोग की जो भी वीडियो है, जो भी आपकी पोस्ट है वो कितने लोगों तक रीच भेजी गई है और इसमें क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपका अप डाउन हो रहा है, वो सब की सब डिटेल होती है। आपकी पोस्ट कितनी देखी लोगों ने और आपकी जो स्टोरी आप लगाते हो कितने लोग देखे हैं, कितने लोग विजिट करे हैं उसको, उससे आगे बढ़े हैं स्टोरी देखने के लिए, कितने लोग एग्जिट करें, सब कुछ की डिटेल इसमें होती है। और हर एक सिटी में कितने लोग आप लोग के देखते हैं वो सब की डिटेल इसमें होती है। तो इसका मतलब ये होता है, तो आप लोग देखते हो ये कुछ सामने ऐसे दिखा, आप देख सकते हो सी ऑल इंसर्ट लिखा हुआ है, ये सी ऑल इंसर्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने कुछ एक और पेज आ गया इंसर्ट का। और ये इंसर्ट क्या होता है आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें आप अपने चैनल का हर एक चीज़ देख सकते हो, कितने लोगों तक आपकी पोस्ट या आपकी जो रील्स है वो कहाँ तक गई है, उस डिटेल आप इसमें पता कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पहला लिखा हुआ है 2888 तक मेरी रीच भेजी गई है, मतलब लोगों तक मेरी पोस्ट या जो भी मेरा चैनल का पेज है वो उन लोग तक दिया गया है, विजिट दिया गया है। अगर वो चाहते तो क्लिक करके इतने लोग ने मेरे चैनल को देखा है और मेरे अकाउंट पे आए हैं, तो ये रीच ये होती है। और साथ ही आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये जो टोटल फॉलोअर लिखा है इससे क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो कितने सिटी के लोग आप लोग को देखते हैं वीडियो और किस किस टाइम देखते हैं, सब डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। अभी मैं उसको बताता हूँ, और हल्के से जैसे नीचे जाता हूँ तो आपको ये स्टोरी देख सकते हो, मेरी स्टोरी लगी हुई है, ये स्टोरी दिखाता है कि कितने लोग फॉरवर्ड किए मेरी स्टोरी या कितने लोग एग्जिट किए या कितने लोग सेव किए, सब की डिटेल इसमें पता चलती है। और साथ ही अगर आप कोई अपनी अगर आते हो IGTV पे आते हो उस सब की डिटेल, या भी आप कोई भी प्रमोशन करते हो अपनी वीडियो का तो यहाँ पे उस सब की डिटेल आती है। तो इस समय तो ना मैंने IGTV कोई वीडियो बनाई है ना ही प्रमोशन किया है, तो इसलिए कुछ डिटेल नहीं आ रहा है। और आपको क्रिएट की आपने कितनी पोस्ट की वो भी डिटेल आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इतना तो आपको डिटेल पता ही चल गई है। बस जैसे ही आप ओपन करोगे, अब आपको मैं बता देता हूँ ये टोटल जो फॉलोवर दिखा हुआ है, ये टोटल फॉलोवर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा आ रहा होगा पेज फॉलोवर बैकडाउन, ये क्या होता है दोस्तों आप लोग मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपने चैनल का ग्रोथ समझ सकते हो कि कितने लोग आपको रोज विजिट करते हैं और कितने लोग आपके चैनल से अनफॉलो होते हैं, सब कुछ की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो टोटल 112 लोग मेरे में नए ऐड हुए हैं, और साथ ही 130 फॉलोअर मेरे नए आए हैं और 18 फॉलोअर मेरे अनफॉलो हो गए हैं, मतलब मुझको मेरे चैनल से चले गए हैं, इस सब की डिटेल इसमें पता चल रही है। और साथ ही जैसे ही मैं नीचे करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे सब भी दिखाते जा रहा है ये एरो से कि कितनी मेरी चैनल ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है। और साथ ही अगर देखें तो यहाँ से लोकेशन भी दिखा रहा है कि किस किस सिटी में कितने कितने लोग देखते हैं, सबकी डिटेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आजमगढ़ में कितने लोग देखते हैं, वाराणसी में कितने देखते हैं, सबकी डिटेल यहाँ पे दिख रही है, मुंबई तक दिख रही है। अगर आप कंट्री में भी देखना चाहते हो किस किस कंट्री में जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया में हर जगह जेल में आप लोग देख सकते हो हर एक परसेंटेज में सबकी डिटेल इसमें दे रहा है। और साथ ही उसके नीचे आप लोग देख सकते हो कि एवरेज रेंज दिखा रहा है कि कितने एज के लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कितने लोग मेरे विजिट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि 13 से 17 को 7% लोग देखते हैं मेरी, और 18 से जो 24 लोग हैं वो 55% करीब देखते हैं, 55 या 56 मान सकते हो।
और 25 से जो 34 है वो 27% करीब लोग देखते हैं। तो ऐसे से करके आप जितनी जितनी एज के हैं उतने लोग कितने कितने परसेंटेज देखते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ से पता कर सकते हो। अगर आप लिख दो चाहो तो केवल मैन का भी पता कर सकते हो, कितने मैन परसेंटेज लोग देखते हैं, और वुमेन का भी देख सकते हो। और इसके नीचे आप देख सकते हो जेंडर भी आ रहा है, आप यहाँ से पता कर सकते हो कि 87.9% केवल मैन मेरा चैनल को विजिट करते हैं और 12% वुमेन विजिट करती हैं। और साथ ही अब यहाँ से अपना मोस्ट एक्टिव टाइम पता कर सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो बनी थी आप लोगों को मैं उसमें बता चुका हूँ कि मोस्ट एक्टिव टाइम क्या होता है। इससे आप अपनी टाइमिंग पता करके अपनी रील्स को वायरल कर सकते हो। आपको अगर वो वीडियो देखनी हो तो दोस्तों आई बटन में लिंक मैं उसको दे देता हूँ, आप लोग वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो और उस वीडियो को आपको देख लो। उससे आपकी अगर आप लोग रील्स डाल दो तो आपकी रील्स वायरल हो जाएगी। और कैसे वायरल होगी उस वीडियो मैंने आप लोग को बताया, तो ये आई बटन पर उसका लिंक दे दिया है मैंने, आप लोग उसको जाकर विजिट कर लो और आप लोग इस वीडियो को देख लो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग जहाँ तक जानते हो ड्यूरेशन आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ, और आपको ये डैशबोर्ड से डरना नहीं है दोस्तों। आप लोग को इस समय आपको स्किल से क्लियर हो चुका होगा कि ये प्रोफेशनल जो भी डैशबोर्ड आ रहा है वो क्या चीज़ होता है। और आप लोग को इससे ये नहीं करना है कि आपका अकाउंट से कोई दिक्कत आ जाएगी। ये आप लोग को दोस्तों प्रोफेशनल अकाउंट हो गया, उसकी आपको डिटेल दिखाता है कितने लोग रीच कहाँ कहाँ तक भेजी, सबकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर टेक्स्टबुक के अंदर जाके आप देख सकते हैं डेली के डेली जितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, फॉलोवर, सबकी डिटेल आपको मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा मैं इस समय देख रहा था कि लोग परेशान हो रहे हैं ये डैशबोर्ड क्या होता है प्रोफेशनल, तो उसकी जानकारी मुझे लगा आप लोग तक देनी चाहिए। तो यही था दोस्तों, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू दोस्तों, आगे की नई वीडियो आती रहेगी। थैंक यू, बाय।